साथ नम्रता शर्मा। मीडिया जगत से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 67 साल की उम्र में शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आपको बता दें, अभी 3-4 दिन पहले ही उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी, लेकिन उसके बाद पुष्टि हो गई थी कि वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और मौत की जो खबर आई थी वो अफवाह थी। लेकिन इस बार अफसोस, उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इस खबर की पुष्टि की है। मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मल्लिका दुआ ने बताया है कि विनोद दुआ का अंतिम संस्कार कल लोधी शमशान घाट में कराया जाएगा। मल्लिका दुआ ने लिखा, हमारे बेपरवाह, निडर और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया। अब वो हमारी माँ के साथ है, यानी अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में है। दरअसल मल्लिका की माँ का निधन भी इसी साल कोरोना की वजह से हुआ था। आपको बता दें, कोरोना का कहर दोनों पति पत्नी पर हुआ था। दोनों कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, इलाज फिर दोनों का चल रहा था। हालांकि मल्लिका दुआ की माँ यानी कि विनोद दुआ की पत्नी स्वर्ग से धार गई थी। 7 जून को ठीक होकर विनोद दुआ घर आ गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद से ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तभी से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। 67 साल की उनकी उम्र थी जिस वक्त उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। आपको बता दें, जाने माने पत्रकार रहे हैं, बहुत सारे खिताबों से उनको नवाजा गया है। मीडिया जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। 1996 में वो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे जिन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। बहरहाल, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।